दोस्तों कल मुंबई इंडियंस की टीम एक बार फिर से बुरी तरह से कॉलेप्स कर गई। जैसा कि आपको पता है कि कल मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मैच था, जिसमें कि पहले बैटिंग करने आते हैं मुंबई इंडियंस के तरफ से रोहित शर्मा और ईशान किशन, और राजस्थान रॉयल्स की तरफ से ओपनर गेंदबाज थे ट्रेंट बोल्ट। जैसे ही अपनी पहली बॉल डालते हैं, इस पर रोहित शर्मा आउट हो जाते हैं, और रोहित शर्मा के आउट होने के बाद मानो कि मुंबई इंडियंस की टीम तो पूरी तरह ताश के पत्तों की तरफ बिखर गई। एक के बाद एक विकेट लगातार गिरने लगे, लेकिन किसी तरह मुंबई इंडियंस की टीम को तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या ने कुछ देर संभाल के रखा, और किसी तरह मुंबई इंडियंस इस साल का सबसे लोएस्ट टोटल 125 रन ही बना पाई। और बाद में बैटिंग आती है राजस्थान रॉयल्स के, उन्हें जीत के लिए सिर्फ 126 रन ही चाहिए थे, और उनके टॉप ऑनऑर्डर बैट्समैन जयसवाल बटलर और संजू, यह तीनों ही आउट हो जाते हैं। वैसे स्थिति तो उनके भी कुछ ठीक नहीं, क्योंकि मुंबई की तरफ से मधवाल, जो कि इस साल के पहले अपनी मैच खेल रहे थे, उन्होंने 3 विकेट ले लिया। लेकिन राजस्थान को ज्यादा कुछ फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि उनके टीम की तरफ से पराग अग्रवाल, जो कि लगातार 3 मैच से अच्छा परफॉर्म करते हुए आया, उन्होंने 39 गेंद में 56 रन बनाकर राजस्थान रॉयल्स को मैच जितवा दिया। दोस्तों वैसे इस पूरे मैच में जो एक अच्छा चीज देखने को मिला वह यह था कि राजस्थान की तरफ से ट्रेंट बोल्ट ने तो अच्छी गेंदबाजी की ही, साथ में युजवेंद्र चहल ने भी अच्छी गेंदबाजी, उन्होंने सिर्फ 4 ओवर में 3 विकेट लेकर सिर्फ 11 रन दिए। दोस्तों वैसे आपका क्या मानना है, क्या T20 वर्ल्ड कप के लिए चहल और पराग अग्रवाल का सिलेक्शन होना चाहिए या नहीं, इस पर अपनी राय जरूर बताना। और इसी के साथ मुंबई लगातार 3 में 3 मैच हार चुकी है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे यह भी बताना।